नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बुधवार को जलधन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचने वाले थे, लेकिन काफिले में फॉलो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जलधन में आयोजित भागवत कथा में नहीं पहुँच सके, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनका दिन भर इंतजार करते रहे। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रतिनिधि अरविंद सिंह राजपूत टिंकू राजा दमोह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने पहुंचे, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जलधन न पहुंच पाने के लिए श्रद्धालुओं से क्षमा मांगते हुए आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द ही सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। इस अवसर पर अरविंद सिंह राजपूत टिंकू राजा तथा बागेश्वर धाम के शिष्य मंडली अनिल श्रीवास्तव पीपरा, अंकु चौरसिया, चंद्रेश राजपूत, राजेंद्र घोसी, मणिकांत गुप्ता, राघवेंद्र ठाकुर, मुकेश सेन, संदीप सेन ने अपने साथियों के साथ दमोह में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत किया एवं आशीर्वाद दिया। जलंधर की धरती पर हमें आज आना था, आज हम अभी पहुंच पाए। जगह जगह रास्ते में स्वागत, जगह जगह लोग मिले। बागेश्वर धाम पर से भी थोड़ा विलम्ब चल पाए और फिर जगह जगह जो है लाखों लोग मिले, जिस कारण से इतना मांग रहे हैं सभी लोगों से। पुनः हम बहुत जल्दी आएंगे, सुर्खी में ही आएंगे और पूरा कथा करेंगे। आप सब भव्य तैयारी करो। आशीर्वाद महाराज जी, जय से गुरु जी।